देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनआरसी को घुसपैठ रोकने का अच्छा तरीका बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ये घिरा हुआ है, जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड में भी एनआरसी लागू किया जाएगा। इस बारे में मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही उन्होंने कहा कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि असम में एनआरसी लागू होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में एनआरसी लागू करने की बात कही, वहीं यूपी सरकार की ओर से भी प्रदेश में एनआरसी जल्द लागू करने का बयान सामने आया है। तो एनआरसी को लेकर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने भी अब कमर कसनी शुरू कर दी है। इससे पहले आज ही यह खबर आई कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य में एनआरसी लागू होगा, यानी कि जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, ठीक असम की तर्ज पर जहां पर 19 लाख से ज्यादा लोगों को यह पाया गया है कि वो घुसपैठिए हैं। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, उनको एग्जॉस्ट किया जा सकता है, अभी वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, इसके अलावा भी उनके पास बहुत से ऑप्शन होंगे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन अब इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा है कि एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू किया जा सकता है।